चप्पल उतार के अंदर जाओ, बजाओ ये वाला घंटा, सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे आपके फोन पर। हाय दोस्तों, मैं हूं नितिन और स्वागत है आपका टेक बाबा के वॉइस में। दोस्तों, आज के टाइम में स्मार्ट रहना है तो स्मार्ट वाले कुछ काम भी करने पड़ते हैं, जैसे कि लाइफ हैक्स। लाइफ हैक्स क्या है कि आपकी डेली की कोई भी काम, लेकिन आप उसे थोड़े स्मार्ट तरीके से करें तो वो कहे जाते हैं लाइफ हैक्स। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में हमने एक नई सीरीज शुरू करी है जिसका नाम है लाइफ हैक्स। और जो पहली वीडियो है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको काम जरूर ही आएगी। पहली वीडियो का नाम है लाइफ हैक्स व्हाइल ट्रैवलिंग इन ट्रेन। तो उड़ाते हैं शटर और खोल लेते हैं अपनी दुकान। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन में सारे के सारे काम होने लगे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बैटरी बहुत जल्दी जल्दी कंज्यूम होती है। आप जैसे ही ट्रैवल करते हैं तो आपका सिम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन को सर्च करता है, उससे क्या है कि आपकी बैटरी का कंजप्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहला जुगाड़ ये करना है कि आप जैसे ही ट्रैवल करना शुरू करें अपने फ़ोन को बैटरी सेवर मोड पर डाल दें। दूसरा, आपके ट्रैवल करने से GPS अपनी लोकेशन जल्दी जल्दी चेंज होता है, और GPS एक ऐसी चीज़ है जो आपका बैटरी कंजप्शन बहुत ज़्यादा हाई कर देता है। तो उसे अवॉइड करने के लिए आप जैसे ही ट्रैवल करना शुरू करें अपनी लोकेशन ऑफ कर दें। साथ ही साथ आप एक छोटा सा पोर्टेबल चार्जर हमेशा अपने साथ रखें, उससे क्या होगा अगर आपकी बैटरी खत्म भी हो जाती है तो आप अपनी इंपॉर्टेंट कॉल मिस ना कर पाएं। ट्रैवल करते हुए कुछ लोगों को बहुत चिंता रहती है अपने सामान की, कि उनका सामान वहीं पर है या इधर उधर तो नहीं हो गया। तो आप जब भी, चाहे वो मिडिल हो, लोअर हो या अपर बर्थ हो, आप उसके नीचे सामान रखने की बजाय उसके सामने वाली सीट के नीचे रखें, ताकि आपको अपनी सीट से वो सामान दिखता रहे। तो आपको टेंशन भी नहीं रहेगी और आपका सामान आपकी आंखों के सामने रहेगा। चलो मान लिया ट्रैवल करते हुए आपकी बैटरी खत्म हो गई, आप स्टेशन पर या ट्रेन में चार्ज भी कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि एक ही सॉकेट पर दो दो लोग तैयार बैठे रहते हैं कि एक बंदा हटे और मैं अपना फोन चार्ज करना शुरू करूं। आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा मल्टी प्लग साथ में लेके जा सकते हैं और आप इस परेशानी से बच पाएंगे और अपना फोन चार्ज कर पाएंगे। चीज छोटी सी है लेकिन कभी कभी काम आ सकती है। आप जब भी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो दो ऐप हमेशा अपने फोन में इंस्टॉल करके रहें। पहला ऐप है NTES। NTES से आपको लाइव ट्रेन रनिंग स्टेटस पता चलता रहता है। इससे आपको पता चलेगा आप कहां पर हैं और आपका आने वाला जो स्टेशन है वो कितनी दूर है। साथ ही साथ अभी इस ऐप में आप अपनी ट्रेन के स्टॉपेज सेव कर सकते हैं, यानी ऑफलाइन आप उसे सेव करके रख सकते हैं, नेट की भी जरूरत नहीं है। और आपको पता चलता रहेगा कि हाँ, ये वाला स्टेशन इस समय पर आएगा और ये वाला स्टेशन इस समय पर आएगा। तो आपको किसी TT या फिर अटेंडेंट से पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई अगला स्टेशन कौन सा है। दूसरे जिस ऐप की मैं बात कर रहा था वो है गूगल मैप्स। गूगल मैप्स हमेशा इंस्टॉल करके रखें। गूगल मैप से आपको एक्चुअल आइडिया पता चलेगा कि आप कहां पर हैं और आपका स्टेशन कितनी दूर है। और साथ ही आप जिस जगह ट्रैवल कर रहे हैं, सपोज करो दूसरे स्टेट में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप उसके ऑफलाइन मैप्स भी इंस्टॉल करके रख सकते हैं। ऑफलाइन मैप्स का ये फ़ायदा है कि आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, आप पहले से ही इंस्टॉल करके जाएं। मैप्स को ऑफलाइन सेव करना ऑलरेडी मैं एक अलग से वीडियो में बता चुका हूँ। एक और बात, कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को ट्रेन से उतरना पड़ता है समोसे लेने के लिए, चाय लेने के लिए, अखबार लेने के लिए या कोई और चीज़ के लिए। तो जब भी उतरें तो अपने ट्रेन के आगे की साइड जाएं, उतरने के बाद ट्रेन से इंजन की साइड जाएं। उससे दो फायदे हैं। पहला तो ये कि जब ट्रेन चलेगी तो आपको इंजन की सीटी क्लियर सुनाई देगी, अगर आप पीछे होंगे तो हो सकता है कि वो इंजन की सीटी आपको सुनाई ना दे। दूसरा फायदा ये है कि आप उतरकर पीछे की साइड गए और ट्रेन चलना शुरू कर दी तो आप किसी भी हालत में ट्रेन को नहीं पकड़ पाएंगे। हाँ, अगर आप इंजन की साइड होंगे तो एक चांस बनता है बहुत स्लो चलती हुई ट्रेन को पकड़ लें। कई बार जब हम बर्थ पर लेटे हुए होते हैं फोन के स्लिप होने का एक चांस रहता है। जब भी आप ट्रेन की बर्थ पर लेटे हुए होते हैं या फिर आप ट्रेन में चढ़ या उतर रहे होते हैं तो फोन के निकलने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि फोन के ऊपर रुमाल या हैंकी रखें, उससे क्या होगा कि अगर कोई निकालने की कोशिश करेगा तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपकी पॉकेट से कुछ निकाला जा रहा है। और अगर आप बर्थ पर लेटे हुए हैं तो फोन ऑटोमेटिकली स्लिप होकर नीचे नहीं गिरेगा। एक वेबसाइट है erail.in, आप इसे अपने फ़ोन पर भी ओपन कर सकते हैं। इस वेबसाइट का ये फ़ायदा है कि आपको ट्रेन के कोचेस की पोजीशन का पता चलेगा। यूजुअली जो बड़े स्टेशन्स होते हैं उसमें आपको पता होता है कि S1 यहाँ आएगा, S2 यहाँ आएगा, S3 यहाँ आएगा, या फिर स्टेशन उतना डेवलप्ड नहीं है या फिर समहाउ वो डिस्प्ले अवेलेबल नहीं है और आपको आइडिया नहीं लग रहा कि आपका कोच इंजन से कितना दूर होगा, आगे होगा कि पीछे होगा, तो आप इस वेबसाइट पर अपना ट्रेन नंबर डालकर
पता कर सकते हैं अपने कोच की लोकेशन। कुछ लोगों को क्या डर रहता है कि मेरा कहीं स्टेशन ना निकल जाए, स्पेशली रात में। अगर आपको ये डर लगता है तो आप SMS अलर्ट 01234567 89 को 139 पर SMS कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके स्टेशन के आने से आधा घंटा पहले आपके फ़ोन पर एक कॉल आएगी और इस तरह आप अगर सो भी रहे होंगे तो उठ जाएंगे और आपका स्टेशन मिस नहीं होगा, वरना तो आप अपने फ़ोन में हाई वॉल्यूम वाला अलार्म वाइब्रेशन के साथ लगा सकते हैं। एक और छोटा सा लाइफ हैक ये है कि जब भी आप अपने सैंडल, चप्पल या जूते उतारें, उन्हें एक जगह पर ना रखें, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट जगह पर रखें। अगर कोई चोरी करने के मोटिव से आएगा तो उसे ढूंढने में परेशानी होगी और उम्मीद है कि वो दो शूज़ को इतना ईजिली नहीं ढूंढ पाएगा जितना कि आप अगर उसे एक साथ रखते। कोच के बाहर क्लियरली लिखा रहता है कि फर्स्ट नंबर इधर है और लास्ट नंबर ऑपोजिट साइड है, तो आप उसी साइड से एंटर करें जिस साइड से आपकी सीट पास पड़ती है। और सबसे लास्ट में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है ट्रेन में जो कि अनअवॉइडेबल है और कोई इमरजेंसी टाइप की है या आपको कोई शिकायत करनी है, तो शिकायत कीजिए ट्विटर पर। रेलमिन के हैंडल पर आप अगर अपनी जो जेन्युइन प्रॉब्लम है आप उसे ट्वीट करेंगे तो उसका रिप्लाई आता है, आजमाया हुआ है। तो आप कभी भी किसी इमरजेंसी में फंसते हैं या आपको कोई शिकायत करनी है तो आप ट्विटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथों हाथ आपको हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे लाइफ हैक्स। बहुत सारे मैंने कवर करने की कोशिश की, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे लाइफ हैक्स होंगे जो आपको पता होंगे। आप कमेंट्स में बताइए कि और क्या वे हो सकते हैं सेफली और मौज मस्ती के साथ ट्रैवल करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये लाइफ हैक आपको पसंद आया होगा। कैसे लाइफ हैक्स की वीडियोस आप चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी पहली वीडियो है लाइफ हैक्स में, आपके कमेंट्स हमें रियली हेल्प करेंगे। तो अगली वीडियो में आपसे टेक बाबा फिर से मिलेगा, तब तक के लिए गुड बाय और बाकी तो सब मोह माया है।